दोस्तों, ये हमने नया कूलर लिया है। देखिए, इसको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने करवाया है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट से आप इसका लुक देख लीजिए एक बार। और ये देखिए, इंटरनल का है। देखिए, हम बताते हैं इसमें मैंने क्या करवाया है, नया हम कैसे लिए हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो पूरा जो इसका कैबिनेट है वो हमने नया परचेज किया है, और जो मोटर है वो पहले वाला ही है। फोकस, तो ये जो मोटर है ये पहले वाला ही है, क्रोमटन का मोटर लगा हुआ है। और इसका जो एज हो गया है वो 7 साल हो गया है, 7 साल से चल रहा है। और इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेम देख के आपको लग जाएगा कि हाँ, पुराना वाला ही मोटर इसमें यूज किया गया है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमने अपलोड किया था एक बार इसका वीडियो कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये वाला जो घास है ये इसी के साथ मिला था, और ये वाला जो है ये हमने चेंज किया है, पहले वाला लगाया है और ये इसके साथ मिला था। और एक जो पैनल है वो यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला एक पैनल है, इसका हम घास आपको दिखा देते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे साथ क्या कंडीशन है कि बाहर का जो एयर है वो सिर्फ एक ही विंडो लेता है, ये वाला जो साइड है एसी साइड सिर्फ बाहर का एयर लेता है, बाकी दो साइड अंदर का ही एयर लेता है। तो इसमें क्या कि इसमें हम थोड़ा सा मोटा कर दिए हैं। ठीक है, ये देख रहे कितना पतला है, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का है। और इसे देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, थोड़ा सा मोटा होने से बाहर से जो हवा लेगा वो थोड़ा सा चिल्ड ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बाहर वाला जो साइड है उसको डबल कर दिया है। ओके, और बाकी जो है वो तो है ही। इस बार देखिए, इस बार टैंक जो है, टैंक का पेस्टिंग जो किया है वो अलग केमिकल से किया है। पिछला बार जो केमिकल था वो मिट्टी वाला था, वो सूखने पर चटक जाता था, लेकिन इस बार नहीं चटकेगा। ठीक है, ये देखिए साइड भी देख लीजिए, और ये देखिए तो पता नहीं जल ही जाता है, ये 1 या 2 सेकंड में जल ही जाता है, आपको भी पता होगा। और बहुत लोग कहते हैं नहीं जलता, बट ये जल जाता है। ऐसा नहीं कि पानी कम रहने जलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जलने का रहेगा जल जाएगा, समझ गए। और ये देखिए थोड़ा सा नया वाला, ये कुछ चेंज किया गया है टेक्निक इसमें, पहले दूसरा था, इस बार दूसरा डिजाइन इसमें दिया गया है। और बाकी तो जो है वो वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेनली था कि भाई कूलर चेंज करना है, और पूरा लगभग जंग लग के पूरा सड़ रहा था, और मोटर पूरा क्लियर था। ठीक है, देखिए मोटर अभी एकदम पूरा क्लियर है, चला के दिखाएंगे आपको। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, पूरा बदलने से बढ़िया है सिर्फ इसका कैबिनेट बदला जाए। ओके, और ये देखिए वायरिंग के लिए थोड़ा सा इस बार चेंजिंग किया है, पिछला बार ये वाला नहीं लगा के दिया था, इस बार ये लोग लगा के दिया है ये वाला, इससे सेफ रहेगा, वायर टच नहीं होगा बॉडी में कभी भी कटने पटने से। तो ये सब थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये लोग भी कर रहा है जो बढ़िया है। और ये देखिए फ्रंट का जो ग्रिल है, फ्रंट का ग्रिल में देखिए ये सब चेंजिंग किया गया है, पिछला बार कुछ और था और इस बार कुछ और है, थोड़ा सा मजबूती बढ़ाया है इन लोग। ठीक है, और फैन का कंडीशन आप देख लीजिए, फैन लगा हुआ है, ये तो हमने बताया है आपको कि पुराना वाला ही है, और परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है, चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, अंदर से दिखा रहे हैं, अंदर से देखिए,
ये एकदम साइलेंट है, बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और बेहतरीन ठंडी कर रहा है, ठीक है ना, ठंडा एकदम कर दे रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ठंडा वंडा करने में, ठंडा कर ही दे रहा है वो तो, आप लोगों को पता होगा कितना ठंडा करता है, तो ठंडा कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है इसका मोटर, मोटर जो है क्रोमटन का लगा हुआ है, ठीक देगा इसका तो नहीं, उस साइड में है इसका दिख रहा है, ये वाला पैनल पे शायद होगा, तो क्रोमटोन का मोटर इसमें लगा हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इतना दिन चल जाना मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो बस यही था। हाँ प्राइस बता ही दिए देते हैं, अराउंड 3,000 से 4,000 के बीच में मिल जाएगा आपको, जगह जगह पे डिपेंड करता है कैसा प्राइस है, बट 3,500 से 4 के लगभग मिल जाना चाहिए हर जगह, ठीक है। ओके, पसंद आया होगा तो बताइएगा।